नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। यूपी बजट सत्र, सपा का विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, शिवपाल के नेतृत्व में धरने पर बैठे विधायक। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सपा के विधायकों ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही लखनऊ में राज्य विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। विधानसभा के बाहर सपा विधायक तख्तियां लेकर धरने पर बैठे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। आपको बता दें कि आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के मंडल में विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश कर रही हैं। आजम खां की विधायकी रद्द होने पर अभिनेत्री जयप्रदा बोली, मिली अपनी करने की सजा, अब उनका खेल खत्म। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामपुर से दो बार सांसद रह चुकी अभिनेत्री जयप्रदा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर तंज कसते हुए कहा कि आजम खां को अपनी करने की सजा मिली। दरअसल जयप्रदा रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मेरठ पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि राजनीति में एक दूसरे पार्टी के प्रति मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन सत्ता का इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना ही भूल जाए। गरीब व मजलूमों के साथ बेइंतहा नाइंसाफी करने लगे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला महिलाओं का सम्मान नहीं जानते हैं। वहीं आपको बता दें कि आजम खां को अपने करने की सजा मिली। उन्होंने कहा कि आजम खां का खेल खत्म हो गया, उन्हें अपने पापों की सजा तो भुगतनी होगी। सीएम धामी आज परखेंगे यात्रा की तैयारियां, सचिवालय में होगी विभागीय अधिकारियों की बैठक। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सोमवार को आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखेंगे। वह सचिवालय में पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस बार 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। तीर कमान छीनने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने गवाया ब्लू टिक, सोशल मीडिया पर दिखा असर। निर्वाचन आयोग यानी कि ईसी ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्ष को असली शिवसेना बताया। उद्धव ठाकरे गुट से उसके नाम और तीर कमान की पहचान भी छीन ली गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसका असर देखने को मिला। दरअसल ट्विटर पर उद्धव गुट ने जैसे ही अपनी पार्टी का नाम बदला, वैसे ही उसका ब्लू टिक यानी कि वेरिफिकेशन भी हट गया। खेत में मिला खजाना, दमोह में मिले 500 वर्ष पुराने सिक्के, कॉपर धातु के कॉइन पर बने हिंदू धर्म के चिन्ह। दमोह जिले के हटा जनपद में माधो गांव में सड़क निर्माण के लिए खोदी जा रही मिट्टी में सैकड़ों वर्ष पुराने सिक्के मिले। जानकारी के अनुसार माधो से चंदेना सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए सुदामा लोधी के खेत से मिट्टी खोदी जा रही थी। खुदाई के दौरान सड़क पर ये सिक्के पाए गए। खुदाई के दौरान मिले सिक्के ग्रामीण अपने साथ ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि दो दिन से खेत में खुदाई के दौरान धातु के सिक्के मिल रहे हैं, जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैम को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।